दोस्तों भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में फिलहाल वेस्ट इंडीज 2-1 से आगे है। अगले दो मुकाबले अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 और 13 अगस्त को खेले जाएंगे। यह दोनों ही मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसे रहने वाले हैं। एक भी मैच हारने पर भारतीय टीम अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड गंवा देगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैच गंवा दिए, मगर तीसरा मैच जीतकर शानदार वापसी की। अब यदि भारतीय टीम को यह सीरीज जीतनी है तो उसे बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। इनमें से एक भी मैच हारते हैं तो सीरीज हाथ से चली जाएगी। यदि भारतीय टीम यह सीरीज हारती है तो उसका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। यह रिकॉर्ड 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज में अजय रहने का है। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 5 मैचों की T20 सीरीज भारतीय टीम कभी नहीं हारी है। वैसे भारतीय टीम 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज बहुत कम ही खेलती है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में यह भारत की 5 मैचों की 5वीं द्विपक्षीय T20 सीरीज है। इससे पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज खेली थी। और इन सीरीज की खास बात यह है कि भारत ने अभी तक एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। इस दौरान भारतीय टीम ने 4 में से 3 सीरीज जीती है, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। अब यदि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह सीरीज जीत जाती है तो उसका गौरवशाली रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। मगर कहीं ये सीरीज भारतीय टीम हार जाती है तो यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के बाकी 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं भारतीय टीम द्वारा खेले गए पिछले 4 द्विपक्षीय T20 सीरीज के बारे में, जिसमें भारतीय टीम अभी तक अजय रही है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम ने सबसे पहले 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज 2019-20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया था। यह सीरीज बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें लगातार 2 मैचों में सुपर ओवर खेला गया था। इसके बाद टीम इंडिया ने 2020-21 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू सीरीज खेली। यह सीरीज बड़ी ही रोमांचक रही। दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीत लिए थे और 5वां और आखिरी मैच नॉकआउट गेम जैसा बन गया था। भारत ने 5वें मैच में इंग्लिश टीम को 36 रनों से हराते हुए सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया था। पिछले साल जून के महीने में साउथ अफ्रीका टीम भारत दौरे पर आई थी, तब टीम इंडिया ने उसके खिलाफ तीसरी 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज खेली थी। इस सीरीज में पहले 2 मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने वापसी की और अगले 2 मुकाबले जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर किया था। सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में था और बारिश के कारण मैच धुल गया, इस कारण ये सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। भारतीय टीम ने चौथी 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज वेस्ट इंडीज के ही खिलाफ उसी के घर में 2022 में खेली थी। इस सीरीज में भारत ने शुरुआत के 4 मैच जीत लिए थे, वहीं मेजबान ने आखिरी मैच को जीतकर इस सीरीज को क्लीन स्वीप होने से बचाया था। तो दोस्तों इस तरफ भारतीय टीम ने यह सीरीज 4-1 से अपने नाम की थी। अब भारत के पास फिर से एक बार मौका है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बचे हुए 2 मैच जीते और अपने 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज में न हारने का रिकॉर्ड को कायम रखे। आपको एक बार फिर बता दें दोस्तों कि अगले 2 मुकाबले अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 और 13 अगस्त को खेले जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि क्या हार्दिक की सेना अगले दोनों मैच को जीतकर अपने रिकॉर्ड को कायम रख पाएगी या नहीं। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।